एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल में सपोज करो हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं और उनमें से एक कैपेसिटर, सपोज एक कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है और मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो इसके ऊपर भी क्या आ गया? V1 है। दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ठीक हो गया यहां तक। अब क्या हुआ कि एक और कैपेसिटर है C2, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, राइट? तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक कैपेसिटर चार्ज लेके आया है बैटरी से, दूसरा अनचार्ज्ड है और मैं इन्हें अब क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर, लोअर तो जीरो ही, नीचे तो क्या ही जाएगा, तो हायर से लोअर मूव करेगा। कब तक? जब तक दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज नहीं, पोटेंशियल सेम नहीं होता। कभी भी चार्ज सेम नहीं बोलना, पोटेंशियल सेम बोलना है। क्लियर है यहां तक? तो पोटेंशियल के ऊपर काम चलता है क्योंकि चार्ज तब तक मूव करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। अगर चार्ज सेम हो गया, कैपेसिटी डिफरेंट है, तो पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा। फिर चार्ज सदा ही मूव करता रहेगा फ्रॉम हायर टू लोअर। चार्ज तभी फ्लो करना रुकेगा जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर्स पे क्या हो जाएगा, सेम, और उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो इमेजिन करो एक मिनट के लिए, आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, एक और कैपेसिटर है C2 जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ये अपनी अपनी बैटरी से करवा के आए हैं, ठीक है, पोटेंशियल लेके आए हैं और आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया आपस में। कैसे कनेक्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, सुनना। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस प्लेट प्लस के साथ कनेक्ट करनी है और माइनस माइनस के साथ करनी है। तो आपने इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर, जो भी इसमें हायर या लोअर होगा, कब तक? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, कॉमन। इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। थोड़ी देर में हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी क्या है C1, इसकी कैपेसिटी क्या है C2, ठीक है यहां तक। अब लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक ये है कि जब इनको कनेक्ट नहीं किया था, यानी कि बिफोर कनेक्टिंग चार्ज की वैल्यू क्या थी बोलो, इनकी फर्स्ट कैपेसिटर की कितनी है C1 V1, सेकंड की कितनी है C2 V2, और आफ्टर कनेक्टिंग पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव, अब चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पे क्या रहेगा, C1 इंटू VC और यहां से C2 इंटू VC। क्या है पॉइंट, क्लियर है? चार्ज हवा में उड़ेगा नहीं, चार्ज तो दोनों कैपेसिटर के बीच में ही रहेगा। तो टोटल चार्ज की वैल्यू बिफोर और आफ्टर कनेक्टिंग विल रिमेन सेम, ये नहीं चेंज होएगा। तो आप इन्हें इक्वेट कर दें। जब आप इक्वेट करेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1VC प्लस C2VC। तो V ऑफ C की वैल्यू आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बनेगा कॉमन पोटेंशियल का, या फिर ये फॉर्मूला भी बन सकता है, C1V1 क्या है Q1 फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज, C2V2 क्या है सेकंड कैपेसिटर का चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में डायग्राम के साथ ये नोट करें, ये फॉर्मूला ऐसे लगेगा। एक चीज और नोट कर लें इसमें कि कल को अगर स्पेशल केस है, स्पेशल केस लिख लेना यहां पे, कि अगर आपने कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट कर दिए, उल्टे कनेक्ट कर दिए, माइनस एंड प्लस, गलती से उल्टे कनेक्ट हो गए, तो उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल आएगा, उसमें C1V1 प्लस नहीं होगा, उसमें क्या होगा माइनस होगा। तो उसमें ये टर्म माइनस होगी, बड़ी कैपेसिटेंस में से छोटी को क्या कर देना है, बड़े चार्ज में से छोटे चार्ज को माइनस। तो ये मैग्नीट्यूड लगा देता हूं ऐसे। तो ये फॉर्मूला आपने नोट करने हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल।